स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चल रहा था, जिसमें आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो सबसे पहले व्हाट इज मोटर, क्योंकि मोटर के अपन थ्री पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस 25 इयर्स की बात करूं तो 15 टाइम्स इलेक्ट्रिक मोटर पूछा हुआ है बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड आपसे इलेक्ट्रिक मोटर, अगर बिफोर 25 इयर्स की बात करूं तो 15 इयर्स में आपका इलेक्ट्रिक मोटर पूछा हुआ है, वो भी 1, 2, 3 मार्क्स में नहीं, 5 मार्क्स में भी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक मोटर की। तो इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में फैन देखा होगा, मिक्सर ग्राइंडर देखा होगा, बोरवेल की मोटर देखी होगी, कूलर देखा होगा, इन सब में क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, सारी की सारी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। जैसे ही अपन फैन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, यानी अपन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करवाते हैं, वो आपको एयर देता है, हवा देता है आपको, तो वो क्या दे रहा है आपको, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर दोगे, आपको मैकेनिकल एनर्जी देना बंद कर देगा। ऐसे ही आपका बोरवेल जो आपकी मोटर लगी हुई है, वो क्या कर रही है, आपसे इलेक्ट्रिक करंट ले रही है, यानी आप उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हो, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, वो आपको क्या करेगी, वाटर लेवल को ऊपर लेके आएगी, यानी वाटर को वहां से अप करेगी, यानी वाटर को पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगी, वो भी क्या आपकी, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो डिवाइसेज जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, वो डिवाइसेज क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक मोटर। तो फर्स्ट आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड कहानी है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि आपका किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसको फोर्स फील होगा। तो जैसे ही अपन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अपन उस फैन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और अंदर मैग्नेट रखा हुआ है, यानी उधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे, वो आपकी मोटर घूमना स्टार्ट कर देगी, यानी वो मोशन करना स्टार्ट कर देगी। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट फील्स ए फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब बात करते हैं थर्ड, अपना कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बोर्ड 1 मार्क्स में पूछता है, तो मैं भी पूछता आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, मैं भी आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है, या 5 मार्क्स में पूछा हो तो आपसे कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और वर्किंग और डेफिनेशन सब कुछ पूछ सकता है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम अपन ने कैसे बनाया है, अपन ने एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, यानी अपने नॉर्थ और साउथ पोल्स बनाए। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपन एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा है, यानी अपन ए बी सी डी एक कॉयल बनाई है, कॉयल जिसमें से अपन करंट फ्लो करवाएंगे, किससे, बैटरी से। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर यानी ये कॉयल अपन ने कैसे बनाई है, अपन ने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोल कॉयल लिए, एक सॉफ्ट आयरन का यानी एक पीस लिया, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एक पाइप ली है अपने सॉफ्ट आयरन की। अब सॉफ्ट आयरन क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, यानी उसको जैसे ही करंट मिलता है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता है, वो सब्सटेंस अपने क्या होते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर। तो वो सॉफ्ट आयरन कोर ली है अपन ने, और उस पर अपन ने कॉपर वायर को वाइंड कर दिया, यानी कॉपर वायर को उस पर रोटेशन दे दिए। आपने देखा होगा कभी फैन खराब हो जाता है, फैन को खोल के देखा होगा कि आपको कॉपर वायर के वाइंड्स मिलेंगे, यानी कॉपर वायर आपको गोल 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 घुमावा मिलेगा उसके चारों तरफ। तो ये कॉइल ए बी सी डी अपन ने कैसे बनाई है, सॉफ्ट आयरन कोर लिया और उसपे कॉपर वायर को राउंड दे दिए, तो ये कॉइल बना दी है अपन ने, इसको किसमें रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में। और जैसे ही अपन ने किसी बैटरी यानी किसी एनर्जी सोर्स से अपन इसमें करंट फ्लो करवाई है, तो ये आपकी कॉइल है, ये घूमना स्टार्ट कर देगी, यानी व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी इट फील्स ए फोर्स। तो यही तो कहानी हो रही है, यही तो कहानी हो रही है। अब अपन इसमें क्या कैसे लिखेंगे कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ,
और जो आपकी आर्मेचर कोयल आपने बनाई है वो, और या आपकी जो C1 और C2 यानी अपने हाफ 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 रिंग ली है, स्प्लिट रिंग ली है, वो ये सारे के सारे इंटरनल सर्किट में होते हैं, ये आपको दिखेंगे नहीं। जाके फैन में देखा है क्या कभी नीचे से कि आपको कहीं आर्मेचर कोयल दिख रही हो, आपको मैग्नेट्स दिख रही हो, उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स दिख रहे हो? ये सारी की सारी क्या है? इंटरनल सर्किट है। बात करते हैं अपन वायर की और बैटरी की, ये अपन किस में काम में लेते हैं? एक्सटर्नल सर्किट में। अपन फैन से एक वायर निकाल के लाते हैं और अपने प्लग में लगाते हैं, अपन एनर्जी सोर्स से लगा देते हैं, यानी ये आपका एक्सटर्नल सर्किट है जो कि आपको दिखाई देगा। दूसरी कहानी है B1 और B2S है, वो ब्रशेस है, कार्बन के बने हुए ब्रशेस है। ये क्या है? ना तो इंटरनल सर्किट में आते हैं ना एक्सटर्नल सर्किट में आते हैं, ये इंटरनल और एक्सटर्नल सर्किट को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम में ले रहे हैं। तो अगर एक बार पूछा हुआ है बोर्ड का कि नेम ऑफ द डिवाइसेज विच इज यूज इन द इंटरनल डिवाइसेज इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो वो कौन कौन सी हैं? मैग्नेट्स हैं, आर्मेचर कॉइल है, शाफ्ट है आपकी, और स्प्लिट रिंग्स हैं। और एक्सटर्नल सर्किट की बात करेंगे तो बैटरी है आपका, कनेक्टिंग वायर्स है, ओके, और B1 और B2 आपके एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट को ज्वाइन करने के लिए काम लेते हैं। यह आपके कंस्ट्रक्शन जो अपन देख रहे हैं कि अपन कैसे कैसे बनाएंगे। ये साफ्ट आप देख रहे हैं, ये साफ्ट ही जैसे ये आर्मेचर कॉइल घूमेगी, ये साफ्ट घूमेगी, आपको फैन देखा होगा, फैन साफ्ट पे रुका हुआ है, जैसे ये आर्मेचर कॉइल आपकी आर्मेचर कॉइल घूमती है, साफ्ट घूमती है, और साफ्ट पे आपकी ब्लेड लगी हुई होती है और फैन रोटेशन लेना स्टार्ट कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं वर्किंग की कि कैसे रोटेशन ले रहा है, किस डायरेक्शन में ले रहा है, कैसे रोटेशन लेगा, तो वो अपन बात करते हैं। वो अपना लास्ट टॉपिक है वो इसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, वो कौन है? वर्किंग। वर्किंग की बात करें तो मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने की प्रेस की सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, स्टूडेंट्स करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? प्लस टू माइनस, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यानी करंट की डायरेक्शन मैंने एरो मार्क करके ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है आपको। करंट आपका मैं बात करूं तो AB में अपवर्ड फ्लो हो रहा है और CD में डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, क्योंकि पूरा कंप्लीट सर्किट किया है अपन ने, तो डायरेक्शन एरो मार्क किए। अब मैं AB पार्ट की बात कर रही हूँ कि AB में मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कैसे घूमेगा, यानी आर्मेचर कॉइल घूमेगी, साफ्ट घूमेगी, घुमाना तो इसी पार्ट को है, तो यानी AB पार्ट आपका किस डायरेक्शन में मूव करेगा, कैसे मूव करेगा? तो अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, फोर्स फील होगा, उसकी डायरेक्शन कौन देते हैं? फ्लेमिंग्स एंगल, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अपन अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे। अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं किए वो पहले प्रीवियस क्लास अटेंड करें, तब जाके ही आपको इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आएगी। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या करेंगे? फोर फिंगर को रखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ। तो मैंने फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताती है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को कर दिया है। और फोर्स क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो मैं आपका फोर्स किधर है? इनसाइड। आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर आ रहा है? इनसाइड, क्योंकि मेरा थंब किधर है? इनसाइड। तो जो AB पार्ट है उस पे अंदर की साइड फोर्स लगेगा, या मैं ऐसे कहूं कि ये बोर्ड ऐसा लग रखा हुआ है तो AB पे नीचे की साइड डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, या यहाँ पे ऐसे कहेंगे इस पे इनसाइड फोर्स लगेगा। CD पे मैं बात करूं, CD पार्ट पे, कॉइल के मैं CD पार्ट पे बात करूं, वैसे ही डायरेक्शन निकालेंगे फोर्स की यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अपना फ्लेमिंग्स, अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, उन्हीं को परपेंडिकुलर करेंगे नॉर्थ से साउथ, ठीक है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटसाइड, आपकी साइड आ रहा है, यानी बाहर अपवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो CD पार्ट आपका अप आ रहा है, AB पार्ट इन जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंसीडर कर लो, ये आपकी AB पार्ट है, ये आपका CD पार्ट है, ये AB पार्ट है, ये CD पार्ट है, तो ये AB पार्ट है और ये मेरा हैंड CD पार्ट है। जैसे ही आपका AB पे इनसाइड फोर्स आया, देखा है अपने भी डायरेक्शन कैलकुलेट किए हैं, AB पे इनसाइड है, CD पे आउटसाइड है, तो AB पे इनसाइड फोर्स लगेगा, CD पे आउटसाइड फोर्स लगेगा, कैसे रोटेशन होंगे? यही रोटेशन होंगे, तो यानी मैं गोल गोल घूम जाऊंगी, यानी आपकी आर्मेचर कॉइल क्या होगी? रोटेशन लेना स्टार्ट कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, यानी AB पे इनसाइड फोर्स लग रहा है और CD पे आउटसाइड फोर्स लग रहा है, और आपकी आर्मेचर कॉइल है वो जैसे ही घूमेगी साफ घूमेगी, साफ घूमेगी, तो आपकी
जो भी आपकी यहाँ पे ब्लेड्स लगी हुई है यानी टर्बाइन लगी हुई है वो रोटेशन लेगा और वो अभी क्या जनरेट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी। आपने दी क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये क्या है आपकी स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक मोटर। जिसमें अपन ने रूल कौन सा फॉलो किया है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। प्रिंसिपल क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी कहानी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रही है? ये मैकेनिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल्स आप क्या दे सकते हो? फैन मोटर है आपकी, मिक्सर ग्राइंडर में मोटर है, कूलर मोटर है आपकी, बोरवेल में मोटर है, वो सारी की सारी किसके एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिक मोटर के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।